स्मार्ट टेक्निकल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2017 में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन के बारे में। जो खबरें लीक होकर आई हैं उसके मुताबिक सबसे पहले हैं सैमसंग गैलेक्सी C9 Pro। सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी C9 Pro को चाइना में लॉन्च किया था, अब ये फोन इंडिया में लॉन्च होने की तैयारी में है। सैमसंग गैलेक्सी C9 Pro की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ये फोन में आपको 6 इंच की फुल HD डिस्प्ले के साथ आ सकता है। इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 653 Octa-Core प्रोसेसर के साथ 6GB की रैम मिल सकती है। इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए तो इस फोन में आपको 64GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ मेमोरी कार्ड लगाने का भी ऑप्शन मिल सकता है। कैमरा की बात की जाए तो आपको इस फोन में प्राइमरी कैमरा 16MP का, जबकि सेकेंडरी कैमरा भी आपको 16MP का ही मिल सकता है। इस फोन में आपको 4000mAh की बैटरी मिल जाती है जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ये फोन एंड्रॉइड 6.0 मार्शमेलो के साथ आ सकता है। लॉन्चिंग की बात की जाए तो ये फोन जनवरी के एंडिंग में लॉन्च हो सकता है। सेकंड टेक न्यूज की बात करें तो मोटोरोला की ओर से आ रही है मोटो G5 Plus। लीक हुई खबरों के मुताबिक स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इस फोन में आपको 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले के साथ आ सकता है। इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 625 प्रोसेसर के साथ 4GB की रैम मिल सकती है। इस फोन में आपको 32GB और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिल सकती है। कैमरा की बात करें तो इस फोन में आपको प्राइमरी कैमरा 12MP का, जबकि सेकेंडरी कैमरा आपको 8MP का हो सकता है। इस फोन में आपको 3080mAh की बैटरी मिल जाती है जो टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इस फोन में आपको एंड्रॉइड 7.0 नौगट मिल सकता है। लॉन्चिंग की बात करें तो ये फोन मार्च या अप्रैल 2017 में लॉन्च हो सकता है। तीसरी टेक न्यूज आ रही है सैमसंग की ओर से। लीक हुई खबरों के मुताबिक सैमसंग गैलेक्सी S8 का डिजाइन फाइनल हो चुका है। इस बार फोन में फिजिकल होम बटन नहीं दिया गया है। सैमसंग की ओर से ये पहला फोन होगा जिसमें होम बटन नहीं होगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बैक पर शिफ्ट किया जा सकता है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में आपको 5.7 इंच का WQHD डिस्प्ले मिल जाता है जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो सकता है। ये फोन Qualcomm Snapdragon 835 के साथ 6GB या तो 8GB रैम के साथ आ सकता है। ये फोन Android Nougat के साथ आ सकता है। लॉन्चिंग की बात करें तो ये फोन 18 अप्रैल को या तो MWC 2017 में लॉन्च हो सकता है। चौथी टेक न्यूज की बात करें तो HTC की ओर से आ रही है। HTC ने HTC U सीरीज फोन लॉन्च किए हैं जिसमें पहला है HTC U Ultra। HTC U Ultra में आपको दो डिस्प्ले मिल जाती हैं, जिसमें प्राइमरी डिस्प्ले 5.7 इंच की सुपर LCD होगी और सेकेंडरी डिस्प्ले 2 इंच की होगी। फोन की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो Qualcomm Snapdragon 821 प्रोसेसर के साथ 4GB की रैम मिल जाती है। स्टोरेज की बात करें तो फोन में आपको 64GB और 128GB की ऑप्शन होंगे, जिसे आप माइक्रो SD कार्ड से बढ़ा भी सकते हो। कैमरा की बात करें तो इस फोन में आपको प्राइमरी कैमरा 12MP का, जबकि सेकेंडरी कैमरा 16MP का होगा। फोन के अंदर आपको 3000mAh की बैटरी मिल जाती है जो एक क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करती है। अगली न्यूज आ रही है रिलायंस जियो की ओर से। रिलायंस जियो ने रिलायंस जियो फाइबर सर्विस को मुंबई के कुछ एरिया में लॉन्च किया है, जिसमें यूजर को 3 महीने के लिए फ्री में 100 Mbps स्पीड वाला कनेक्शन दिया है। ये थी इम्पोर्टेंस टेक न्यूज जो हमने आपको बता दी हैं। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सब चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। ये बात किसी महान इंसान की है। बात सुनने में छोटी है लेकिन लाइफ के अंदर इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करना। होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। लाइक और शेयर इसको ज़रूर करिए। अभी तक आपने स्मार्ट टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, जिसे आप टच करके सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइल।